अच्छा मुझे ना 2012 के उन दंगों के बारे में बताइए ना, आप यहीं थे? हाँ यहीं, कहाँ थे हम, कहाँ जा रहे थे, इसी की हमें थे। उसमें क्या हो रहा था, दंगाई तो हो रहा था यहाँ से। अरे पर दंगा तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे। मैंने तो करवाते जैसा ही होगा हरिंदर का, वो और का दंगा थोड़ा ही करवा हुआ था किसी का, और वही अब जा करवा रहा। अब ये तुझे जाकत भी बता रहे हैं लमडे भी, और हम भी बता रहे, अगर दंगा जा करवाऊ तो यहीं करवाऊ। पर आप लोगों ने तो वोट दिया था ना उनको, और हमेशा से आप उनके वोटर हैं। अभी तुम्हारी साथ में सा हो जाता वो, और अब का फिर हमें धमका रहा वो, डरा रहा है, तो उसे वोट कुक कर दे देंगे यहाँ से। माहौल अचानक चेंज हुआ है, अचानक बदला है। अचानक क्या, देखो जब से ये दंगा फसाद हुआ था। नाम क्या है भाई? मेरा नाम मुरसलीन कुरैसी है। भाई फोटो हम इत्मीनान से खींचेंगे। हाँ तब से इस तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, तब से पूरा माहौल चेंज हो गया। पहले क्या था, मुसलमान डरते थे बीजेपी से, लोग समझते थे कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, अब वो वाली बात नहीं है, अब सब लोग बीजेपी के साथ है। अच्छा क्या यहाँ का मुसलमान डरता है? आपके पास दोबारा आ रही हूँ मैं, एक मिनट बताना चाहता हूँ। कल हमारी कस्बा शाहपुर में पूरे समाज की, मुस्लिम समाज की एक कमेटी, एक मीटिंग हुई जो भारी संख्या में हुई, और सबने एक मत संजीव बालियान को वोट देने का तय किया। हरिंदर मलिक के व्यवहारों से तंग आकर संजीव, पंकज मलिक ने जो बरवाले में एक लड़का है उसके साथ में बदतमीजी की, उसी के विरोध में होकर धमकाने का जो काम किया, उसी के विरोध में होकर संजीव बालियान के साथ में हम लोगों ने ये किया कि संजीव बालियान को वोट देंगे। ये सर समाज ने हमारे, आप ये बोल रहे हैं कि एक महापंचायत हुई, महापंचायत हुई शाहपुर में, कल एक महापंचायत हुई, कल ही हुई, कल ही हुई है, कल एक महापंचायत हुई। दिखाई नहीं जी, बहुत ही कम दिखाई। अरे नहीं नहीं, न्यूज़ 18 इंडिया यहाँ पर आया है ना, आप बताइए, आप अपनी बात रखिए, मैं यहीं पर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपका चश्मा बड़ा प्यारा है। मैं भी प्यारा ही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा काला खलीफा। काला खलीफा इस जिले का। अरे बाप रे। और अब क्या बताऊँ, बता। तो मुद्दा क्या रहेगा पहले ये बताओ। मुद्दा तो कुछ नहीं रहने का, मुद्दा तो उठो का ही रहेगा। आप देखो हरिंदर मलिक का लमड़ा दोबारा मिल ले हो लिया उसका, वो हरिंदर तीन बार रह लिया पहले मिल ले, और अब फिलहाल MP का चुनाव लड़ रहा है, वोट तो सभी को मिल रहे हैं, और जयंत जो होगा था वो हमारा नेता किसान होगा। अच्छा एक सेकंड, तो जयंत चौधरी जो बीजेपी में आ गए उसका भी असर है ये? नेता जिला मुजफ्फरनगर में जो है जयंत के, तो हम हैं समर्थक। अच्छा। और मुरसरीन राणा जितना इस विधायक इस क्षेत्र में किसी ने विकास नहीं करा, अब जब हम तो जयंत के शौकीन हैं, झुककर जयंत कहेगा नहीं चलेंगे। अरे पर ये तो हो गया अंधभक्ति कि जो जयंत कहेगा वही करेंगे। हाँ अंदर की खबर तो बाहर जयंत ही तो लाओगा अब जा। ये तो भाजपा वाले हमें सड़कों पर पीटते थे, कभी पानी थे कभी लठो थे, तो हमने जयंत को भीतर बैठ दिया, अब भीतर ही खबर वो लाओगा। ये अच्छा फॉर्मूला है। हाँ। अच्छा वैसे बीजेपी के बारे में आपकी क्या सोच है? बीजेपी बढ़िया, बीजेपी क्या खराब है? बढ़िया काम कर रही है, काम ही तो हो रहे, थोड़े हो रहे सड़कों पड़कों के। अच्छा पहले फोन फोन वाले फेर करिए बात। हाँ जी बता। हाँ अच्छा ये मोदी कैसा नेता लगता है? मोदी जितना भी जैसा भी नेता होगा, जो आज लो नेता हो, ये सबके आंखों में उंगली दे रखी, इतना चालाक है। सबको रस्ते बुला दिए, जितने भी नेतागिरी ठाक कुंटी पटंगवा दी, सारे नेता हो गई सबकी एक धोरे थे। आप कहाँ से मेरे भाई? मैं तावली से, इसी गांव से। इसी गांव से करते क्या है? मैं स्टूडेंट हूँ, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। UPSC की तैयारी? मुसलमान बड़े कम है नहीं UPSC की तैयारियों में, पढ़ाई लिखाई में? नहीं आज के टाइम में तो देखो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। और लेकिन आप सरीके कितने हैं इस गांव में? हैं चार पांच स्टूडेंट हैं जो, चार पांच मतलब है, मतलब कुछ रेशियो ऐसा है कि कम से कम बाहर तो आ रहे हैं, पर इस बेरोजगारी से अपने पढ़ाई में बाहर निकल कर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों के क्या हालात है और हमें आगे जाके कैसे करना, तो एजुकेशन इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग राइट नाउ। अच्छा आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? देखो मैं तो बेस्ट जगह दिल्ली रहता हूँ, लेकिन जो मेरे गांव के लोग हैं इनके मुद्दे जो नॉर्मली एज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड पानी बिजली कैसा है वो इस टाइम? तो पहले से हालात बहुत बेहतर हैं, बहुत ही मतलब जब अखिलेश जी की सरकार थी उससे पहले मायावती जी की सरकार थी, पहले क्या होता था वो एक वीक आती थी बिजली दिन में और एक वीक आती थी रात में,
इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम बहुत ही अच्छी आ रही है, 18 आवर्स ऑलमोस्ट। अच्छा, विकास पर कितने लोग वोट डालेंगे इस बार? सब डालेंगे जी। अरे दो दो हाथ से थोड़ी चचा पड़ जाएंगे वोट? दो दो दोनों हाथ चलेंगे मेरे, मेरे दोनों हाथ चलेंगे। ऐसा क्यों भाई, इतना जोश का है? इतना जोश हो रहा है जब जा। हाँ क्या है जी? दोस्त थोड़े वोट देते हैं, कल बरवाड़े में परसों दोस्त दे रहा था वो मूल जाट को, मुसलमान लोग सबको रोप तो उठ देते हैं, हम कतई भी नहीं देने गए उसे, तो बुरे डाल हरा के बेचेंगे ढेर बुरे डाल। पिछले इलेक्शन में जो ये विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, 6,500 वोट पड़ी थी यहाँ पे, 4,200 कुछ वोट दिए पंकज मलिक को गई यहाँ से। अब उनसे कोई पूछ ले कि उन्होंने 4,200 रुपए का भी काम कराया उतावली में तो। अच्छा लेकिन अरे अरे फर्ज कीजिए ये तमाम यहाँ पर जो मियाँ भाई हैं, फर्ज कीजिए कि पंकज मलिक आके माफी मांग ले, कह दे गलती हो गई। अब का नहीं होना है जी, माफी मांग लो, कुछ भी मांग लो। वो तो तीसरी बार विधायक हो रहा है। हजरत क्या कहाँ खोए हुए हैं आप? आइए ना इधर, थोड़ी सलाम दुआ हो जाए। क्या नाम है आप? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब ये क्या कह रहे हैं, ये आपके समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक कह रही हूँ। ठीक काहे कह रहे हैं? वो काफी दिनों से वो MLA MP रहे, कुछ काम नहीं कराया उन्होंने। अच्छा लेकिन यहाँ पर पूरे देश में एक एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को एकदम कोने में धकेल चुकी है, आप लोग यहाँ पर उल्टी गंगा बहा रहे हैं, लोग ये कहेंगे अरे न्यूज 18 इंडिया पर देख के बहुतों को हार्ट अटैक आ जाएगा ना हजरत? नहीं वो ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, हर गाँव में काम हो रहा है। नहीं तो ये आपको एहसास अभी 24 घंटे पहले हुआ, 48 घंटे पहले हुआ या? पहले से ही है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लियाकत त्यागी। माशाल्लाह, रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत जी मेरा नाम है। आपका नाम रूबिका है? मेरा नाम रूबिका लियाकत है। अच्छा, तो दोनों की सेम राशि मिल गयी। मिलाइए हाथ जी, मिलाइए। हाँ फर लियाकत साहब, ये बताइए कि जो हाथ मिला रहे हैं ये बता रहे हैं, ये दिखाएंगे भी या नहीं उसे कर रहे हैं? अरे भाई ये पूरा दिखाना है। हाँ रंजन, इसको नहीं कोई एडिट करे। मरोड़ करते हैं ना? हाँ। नहीं नहीं कोई नहीं, आपका हाथ मरोड़ा बताइए मैंने। हाँ बड़ा तकलीफ है मेरे हाथ को। कहाँ मैंने हाथ मरोड़ा आपका? चलिए बताइए मैं मुद्दे पर आइए। हाँ ये मैं एंकर हूँ, आप एंकर है लियाकत भाई? हाँ। थोड़ा मेरा वाला गुण आ रहा है। जी 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 जी। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं तो बहुत काफी टाइम से रहता हूँ, 37 साल रोड पर चलते हो लिए हमको। 37 साल के हैं आप? 58 की एज, 58 जो है 37 साल रोड पर चलते हो लिए। अच्छा? हमने सब बड़े बाहुबली नेता देखे हैं। हम मुसलमान जो है इतने कमजोर कायर हो चुके हैं कि अपने हक के लिए हम खुद जा रहे हैं किनारे बाजार जो है। जब तक हम किसी का साथ नहीं देगा वो हमारा साथ क्यों देगा? इस जिला मुजफ्फरनगर में जो हमारा पंगा हुआ था वो SSP और DM के साथ हुआ था, ठीक है, पूरे प्रदेश में रहा है। हमारी बीजेपी के लोगों ने मदद की है? कोई समाजवादी बसपा का अगर लीडर है तो वो हाथ उठा के कहे, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर हमारी किसी ने मदद की है तो बताइए। हमारी बीजेपी के लोगों ने मदद की है, अधिकारियों के जो है तलवार लटक रही है इस टेम गले में, और हम कल भी संजू वालियान के साथ थे, आज भी संजू वालियान के साथ में। नहीं तो बदलाव क्या आया है? बदलाव ये है कि बुरा क्या किया है, हमको तमंचा दिया गया समाजवादी सरकार में कि लूट करिए, कुरेशी को छुरी दे दी गई कि गाय कसी करिए, शिक्षा से हमें दूर रखा है। हमारे लोग समझ नहीं रहे इस चीज को भी। जिस दिन हमारे लोग समझ लेंगे बीजेपी कोई खराब नहीं है, कल हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं जो है बिराल सी गाँव में, ठीक है? अच्छा मुख्यमंत्री आ रहे हैं कल यहाँ? कल यहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बिराल सी गाँव मेरी बराबर में पड़ता है, गाँव नियामों के बराबर में। लियाकत भाई आपने कोई बीजेपी ज्वाइन कर रखी है? बीजेपी में खुद गठबंधन में है, हम हमारे ओम प्रकाश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खुद हम गठबंधन में है, तो हम तो गठबंधन को भी वोट दे रहे हैं। उससे पहले जब गठबंधन में नहीं थे तब भी वोट दिए। कौन कह रहा है कि बीजेपी बुरी है? बुरी है बुरे तो हम लोग खुद बन रहे हैं। एक आदमी को हम रोज गलत बोले जाएंगे वो कब तक सहन करेगा हमारी बातों को, ठीक है? और ये मुसलमान ये मन बना ले कि हमें अपने बच्चों का भविष्य सही करना है, हमारे बच्चे शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, अपराधों से दूर हो रहे हैं, कल हमारे बेटे जज इंजीनियर सब बनेंगे, तो लड़ाई हम खुद लड़ते रहेंगे अपनी, कहां मुसलमान कम। बहुत बड़ी बात, जोरदार तालियां। अच्छा यहाँ पे मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, जल्दी इधर आ जाओ। हाँ भाई क्या नाम है जल्दी जल्दी बताओ। मेरा नाम है हुजैफा। हुजैफा। समीर। समीर। अरमान। अरमान। गुलफान। गुलफान। शुएब। शुएब। साहिल। साहिल। मोहम्मद फरहान। मोहम्मद फरहान। जोर से बोलो। फरहान। मोहम्मद फरहान।
रुहान रुहान सुहेल सुहेल मोहम्मद अयान मोहम्मद अयान। अच्छा तुम सब में से स्कूल कितने जाते हैं? स्कूल नहीं जाते हो? काहे नहीं जाते स्कूल? इधर आप पिटाई होगी तुम्हारी। काहे स्कूल नहीं जाते हो? स्कूल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हो? मदरसे जाते हो? मदरसे जाते हो तो स्कूल भी चले जाओ बेटा। जाएगी जी स्कूल में भी। कब जाओगे? कितने साल के हो? 10 साल के। 10 साल के हो? अरे 10 साल में अब तक तो स्कूल पहुंच जाना चाहिए था ना। तुम स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल जाते हो? संतोष स्कूल है जी। अच्छा कविता सुना दो। कविता नहीं आती जी। पोएम सुना दो। पोएम भी नहीं आती। ए, फिर क्या आता है? स्कूल में किसे जा रहा है? फाइटर हूँ जी। एथलीट है? वाह तो कुछ जुड़ो कराटे करके दिखा दो। चलो भाई आओ आओ आओ। किसी को मार वार मत देना बस है। चलो वाह बेटा ये कहाँ सीखा? गांव में सिखाया जी। गांव में सिखाया? कहाँ सिखाने आता है? कौन सिखाता है? जावेद मास्टर है जी। जावेद मास्टर आए क्या यहाँ पर? नहीं जी। अच्छा उन्हीं की तो बात कर रहे हैं। तो फिर बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? प्लेयर ही बनोगे जी। प्लेयर ही बनोगे? तो ये क्या, कौन से बेल्ट मिला हुआ है अभी तुम्हें? रेड। रेड बेल्ट मिल गया है। और ब्लैक बेल्ट मिलने में कितना टाइम है? 1-1.5 साल लग जाएगा जी। लग जाएगा तो आप नेशनल लेवल पे जाओगे? हाँ खेल लिया स्टेट। अरे वाह स्टेट लेवल खेल लिया है। लखनऊ गए था। लखनऊ गए थे? कैसा लगा? अच्छा लगा जी। क्या गांव में बदलाव दिख रहा है आपको? जी। क्या बदलाव दिख रहा है? बहुत बदलाव है जी। क्या सड़कें टूटी हुई थी सारी लग गई जी। सारी लग गई जी। ए बाल कटवाओ ना, ये इतने लंबे लंबे बाल लेके कहाँ जाओगे? कटवाऊंगा जी। हमारा जो बीजेपी के साथ लगने का मुद्दा है, हम सब लोग किसान हैं यहाँ पे। रात में खेत में काम करने भी जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, बरसात में भी जाते हैं। बरसात आप समझते होंगे क्या मौसम होती है बरसात की। सभी फसल बड़ी बड़ी हो जाती है। पहले क्या था कि गांव में लोग जा रहे खेत में, किसी के पास कुछ है वो छीन झपट हो गई, किसी की बाइक चोरी हो गई उठा ली, किसी के जो जेब में लेके गया वो खोस लिया, फावड़ा दंती सब खोस लेते। अब 10 साल से आप ये बताइए कहीं किसी के साथ कोई लूट की ऐसी वारदात नहीं हुई? क्या क्राइम कम हुआ है? 0% खत्म हो गया क्राइम? क्राइम सलाम अलैकुम। सुरमा तो बड़ा प्यारा लग रहा है। क्या नाम है आपका? सरफराज। सरफराज भाई कब से हैं यहाँ पर? काफी टाइम से यहाँ पर। अच्छा मुजफ्फरनगर को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा होती है तो वो यही होती है कि भाई यहाँ पर हिंदू मुसलमान के दंगे हुए थे। ये वो इलाका है जहाँ पर उस दरमियान कोई आना तक नहीं चाहता था। मैं 2012 की बात कर रही हूँ जी। यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं है। अब फिलहाल लोग बोल चुके हैं जी, उस दंगे को बोल चुके हैं। माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने ऐसा भाईचारा बनाया कि सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं जी। अच्छा कुछ युवा वहाँ पीछे दिख रहे हैं, आओ इधर आओ जल्दी आगे आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? आकिब जी। आकिब कितने साल के हो जी? 16 साल का। अभी 16 साल के ही हो? हाँ तो यहाँ कोई फर्स्ट टाइम वोटर है? 18 साल का कोई है? नहीं 16 ही साल के हो आप। आपका पहला वोट होगा क्या है? अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं गांव में इन दिनों? जी गांव में अच्छा हो रहा है जी, बड़े विकास हो रहा है गांव में। बताओ राहुल जी कैसे नेता लगते हैं? जी ये भी अच्छे हैं, पर मोदी जी उनसे अच्छे हैं, बेहतर है उनसे। क्यों ऐसा क्यों? जी वो बड़े विकास कर रहे हैं देश में, देश को बहुत अच्छी उस पर ले गए रफ्तार पर। जी जी सब चीज खरीद ली। क्या 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 जो हमारी सेना है उनके प्रति नई नई टेक्नोलॉजी ही मोदी जी ला रहे हैं और नए नए। वो याद आ गया, ये तो सिंह साहब है ना, ये तो सिंह साहब है। सलाम अलैकुम। नाखून कतर रहे हैं इसी से वोट डालना? हाँ ये वोट डालना। क्या नाम है आपका? यूसुफ चौधरी। अच्छा यूसुफ भाई जी। आप कितने बरस के हो गए? 62 साल लगा जी। 62 साल जी। 62 साल में आपने मुजफ्फरनगर में क्या क्या बदलते देखा और अब आज जब मौजूद है आप मुजफ्फरनगर में तो क्या महसूस कर? सब कुछ बदल गया जी। तो 10 साल तो सब कुछ बदल गया, बढ़िया काम हो रहे सारे। 10 साल में ही बदलाव हुआ है, इससे पहले ना हुआ जी? पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, नुई धक्के खाते फिर रहे थे हम भी।
किसानों कोई वो नहीं थी, किसान भी परेशान थे, तो मौज ले रहे किसान भी। तो वो तो बोल रहे हैं किसान धरने पर बैठ गए थे। कहीं नहीं बैठ गए थे, तो हम तो नहीं बैठे, हम तो धरने पर नहीं, हम तो मौज आ रही भैया। सही टाइम पर पेमेंट मिल जा, दिन रात रात को चले जाओ जंगल में, दिन में चले जाओ, कोई परेशानी ना, बदमाश का डर ना चोर का डर, अपना कर रहे दिखा रहे। तो इस बार आप सब वोट करने वाले ना, सारे के सारे वोट करने वाले हैं। ये वो मुसलमान चेहरे हैं जो इस बार अपना मन बदल कर, दिल खोल कर बात रख रहे हैं मोदी वतन और मुसलमान इस कार्यक्रम में। आपने ईमानदारी से उन सवालों को देखा और उससे भी ज्यादा ईमानदारी से यहाँ मौजूद मुसलमानों के जवाब देखे हैं। अब अगला पड़ाव ऐसे ही किसी और गांव में होगा जहां पर मुसलमान बड़ी तादाद में वोट करते हैं और उनका ही वोट डिसाइड करता है कि जीतेगा कौन। ये एक नए तरीके का शो है जो ये बताता है कि किसके मन में क्या छिपा है, खासकर अकलियत यानी माइनॉरिटी के। मोदी वतन मुसलमान में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले डेस्टिनेशन पर। अस्सलाम वालेकुम।